भिवंडी के शांतिनगर रोड की हालत खस्ता होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी वादे वाले नेताओं का इस मार्ग पर अभी तक ध्यान नहीं गया है। आश्वासन पर आश्वासन देकर यहां की जनता को गुमराह करने का काम चल रहा है। वैसे आगामी चुनाव नजदीक है और अब इस रोड को लेकर नेता पीछे नहीं हटने वाले अपनी चुनावी रोटियां सेकने में। खैर, आज हमारी टीम ने इस रोड की खस्ता हालत को अपने कैमरे में कैद किया, जहां आप देख सकते हैं कि यहां रोड की बजाय गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। राहगीर और स्थानिकों ने हमारी टीम से बातचीत के दरमियान क्या कहा, देखिए इस खास खबर में। जैसे कि ये गायबी नगर का जो रोड है, गायबी नगर से शांति नगर का रोड, इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बदतर हो गई है। तो ये कब से तकलीफ है? ये पिछले 10 सालों से यहाँ का तकलीफ चालू है। और यहाँ के जो नगर सेवक हैं, या आमदार हो या कोई भी हो, खासदार या तो म्यूनसिपलिटी वाले, कुछ काम करने नहीं, सिर्फ बराए नाम यहाँ आते हैं जाते हैं, गाड़ियाँ लगती है, लेकिन धूप लगाने का काम चालू है। जैसे अगर ये सुबह के टाइम ये रोड की हालत कैसी रहती है, जब मार्केट चालू रहती है तो गायबी नगर वाली? ये बहुत गुंजान वाला एरिया है, यहाँ पे शांति नगर से लेकर जकार नगर तक बहुत ज़्यादा आबादी है। मेरे ख्याल से मैं बोलता हूँ कि भिवंडी की आधी आबादी यही है। और यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना बहुत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग कारखाने हैं और बहुत से रास्ते यहाँ से जुड़ते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है। और सुबह मार्केट रोड पे होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और रोड पे होने की वजह से अपने ठेले वाले यहाँ वहाँ लगाते हैं, जिसकी वजह से आने जाने में तकलीफ, और प्लस गड्ढे की वजह से 10 मिनट का रास्ता 20 मिनट का हो जाता है, और उसकी वजह से गाड़ी इधर से उधर टर्न लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। और सुबह का माहौल तो ऐसा है कि अपने स्कूली बच्चे अगर जरा भी नजर चुके तो हो सकते बड़े हादसात हो जाए, लेकिन इसके बारे में ये रोड की ऐसी खस्ता हालत कब से है? ये खस्ता हालत तो बहुत दिनों से, यानी बहुत सालों से समझो, लेकिन जब से ये मार्केट लगी है उस टाइम तो ज़्यादा मार्केट अपना रोड का हाल खराब हो गया। लेकिन ये अपना औलिया मस्जिद से लेके ये अपने सलाउद्दीन तक सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, उसका कोई बताने लायक नहीं। जैसे बताए तो कोई जलसा या कोई ऐसा हुजूम लगा हुआ है, कहीं लोग अफरा तफरी में लगे हुए हैं, कहाँ यानी गाड़ियों की आवाज़ बोले तो, यानी ऐसा है कि यानी माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है सुबह के टाइम। अगर इन केस कोई इमरजेंसी केस हो तो उनको ले जाते ये आधे रास्ते में दम तोड़ देगा। और अभी दो चार दिन पहले की बात है, एक अपने डिलीवरी होने वाली औरत थी जो रिक्शे में बैठ के जा रही थी, तो रास्ते में उसकी डिलीवरी हुई है। इन केस अगर कुछ मामला हो जाए बच्चे के साथ या औरत के साथ, तो बहुत दुख होगा हमें। तो हम चाहते हैं कि इस रोड को बेहतर से बेहतर करें। हम लोग आपसे कुछ नहीं चाहते, यहाँ 18 से 20 कॉर्पोरेटर है, उनसे हमारा ये डिमांड है कि भाई ये कम से कम कुछ मत करो, आप रात में सो, दिन में सो, रात भर कहीं मत जाओ, लेकिन हमारा ये गायबी नगर का रोड कम से कम सही करके दो, ताकि हम जैसे जो पैदल आते जाते हैं और रिक्शे से आते जाते हैं, जो जॉब वाले हैं, उनको लेट ना हो, उनका हर मामला सॉल्व हो जाए। आज ये हमारे रिपोर्टर सच की आवाज़ वालों का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेरे पास आए आज गायबी नगर के मसलों को समझे, जो रोड का मसला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मसले को वो हाईलाइट करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे, और ये हमारे जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुँच जाए ये रिपोर्ट। मैं ये दुआ करता हूँ। आप देख सकते बहुत ख़राब है यहाँ पे, हर बारिश में आने जाने वालों को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत से लोग एक्सीडेंट भी हो जाते हैं बारिश की वजह से, रोड ख़राब होने से। यहाँ का जो भी नगर सेवक है उनसे मैं चाहता हूँ कि रोड को जल्द से जल्द बना दे, ताकि जो भी परेशानियाँ वो दूर हो जाए आने जाने। यहाँ पे बारिश में ज़्यादा बारिश हुई अगर तो पानी भी भर जाते हैं और बच्चों भी गिर जाते हैं, आने जाने वाले बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, बड़ों की भी तकलीफ़ होती है। मैं चाहता हूँ कि रोड जल्द से जल्द बन जाए, उसे भी देख ही सकते हैं आप, बहुत ख़राब रोड है शांति नगर से गायबी नगर तक का।